डेमोन थंडर कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो आपकी स्क्रीन के बाजू में आ रहा होगा। ये बहुत बॉम कॉन्सेप्ट था। मैंने जब मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इसे अपलोड किया तो इस पे लाइक्स की एकदम लाइन लग गई है। तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जिससे मेरे न्यू फोटोज आपको पहले मिल जाए। हाँ, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप इसे आप अपना फोटो घर पे भी क्लिक करा सकते हो। तो जैसे ये मैंने मेरा इसका रोटेट करा दिया है। रोटेट कराने के बाद सिंपल सी बात है, ये बैकग्राउंड आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लुक है। इसमें पूरा 3D बैकग्राउंड है। ये हमें जाना स्टिकर नहीं, हमें जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद हमें हमारा PNG लगाना है, जो कुछ ऐसे दिखता है। आपको भी ऐसे फोटो खींच लेना है, आपको भी ऐसे फोटो खींच लेना है। इसको प्रॉपर लगाना है, जिससे इसमें एक रियलिस्टिक लुक आए और बाद में आपको कोई PNG लगाने में कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इसे लगा दिया, मैं यहाँ से कर देता हूँ टिक। ये आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर दिख रहा है। अभी जानो ये हमें करना है ऐड फोटो। ऐड फोटो पे जा के हमें लगाना है ये टॉर्नेडो का फोटो। टॉर्नेडो का फोटो लगाने के हम PNG, फिर हम जाएंगे ब्लेंड। ब्लेंड पे जाएंगे, इसे कर देंगे लाइटनिंग। लाइटिंग कर देंगे, फिर इसे इरेज करना है, लेकिन हम पहले से इसे बड़ा करने के बाद आप इसे अच्छे से इरेज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क दिखेगा। अब मैं इसे मेरे फोटो पे लगा सकता हूँ, जो कुछ ऐसा दिखता है। आप भी देख सकते हो परफेक्ट दिख रहा है ये। तो इसे ऐसे लगा देना है और यहाँ से कर देना है ऐसे टिक। फिर जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको लगाना है ये पिंक बॉल का, पिंक बॉल है उसका PNG लगाना है। ये पिंक बॉल का PNG आपकी लाइटनिंग शो करेगा, इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलता है। तो हमें जाना है ब्लेंड। ब्लेंड पे जाके करना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के लिए हमें सिर्फ हाथों के सर्कल को लगाना है। तो आसान है, इसमें आपको कुछ देखना नहीं कि क्या होगा, बस इतना है कि ये बराबर हाथों के बीच में से आ जाए ऐसे करके। ठीक, अब हमें जाना है ऐड फोटो पे। जो भी मैं PNG यूज़ कर रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं लगाना है ये लाइटिंग का PNG। जैसे मैं इसे ले लिया, जैसे रोटेट कर देता हूँ राइट हैंड के लिए। इसे आपको एकदम प्रॉपर लगाना है, जैसे ये एकदम सीधा होना चाहिए आपके हैंड के साथ। फिर इसे हम कर देते डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे इस साइड से घुमा देता हूँ, जैसे आपके इस हाथ के लिए भी काम आ जाएगा। जैसे हम इसे लगाना है, ऐसे लगाना है। फिर आप ऐसे करके देख सकते हो, अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो इसे आप प्रॉपर अपने हाथ तरीके से लगा सकते हो। मुझे बराबर लग रहा है, इसलिए मैं कर देता हूँ सेटिंग। फिर यहाँ पे जाना है हमें ऐड फोटो पे जाना है। थोड़े अगर PNGs और पार्टिकल्स के फोटो लगाने हैं तो अभी लगाना है हमें एक पार्टिकल का फोटो। मेरे पास तो बहुत सारे PNGs है, ढूंढने में मेरा टाइम लग जाता है। आपको जो भी है सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीन कर देना और फिर यहाँ से ऐसे ओके कर देना। अब जाना है हमें ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद मैं एक और पार्टिकल है उसका PNG लगाना। आ गया, इसे भी फुल स्क्रीन करना। फुल स्क्रीन आपको बराबर करना, वैसे तो फुल स्क्रीन तुरंत हो जाता है। फिर इसे ब्लाइंड पे जाके कर देना है स्क्रीन। ये नहीं, हमें इसे कर देना है स्क्रीन।
सेव करने के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ से हमें ऐसे टिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हो, अब ये जो है हमारा थंडर कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए हमारे आंखों से भी थोड़ा कुछ ऐसा डर दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लेंस लेते हैं। ये वाला लेंस जैसे मैं ले लेता हूँ पर्पल वाला, इसको मैं अपने आंखों पे लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे हाथ का मेरे आइज का कलर मैच करेगा, तो मैं ऐसे ऐसे लगा देता हूँ। उसे थोड़ा ऐसे बड़ा कर देता हूँ, इतना नहीं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसे भी लगा देता हूँ मैं अपने आँखों पर, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा अच्छे से हो चुका है, एकदम रियलिस्टिक लुक आ रहा है, पर फोटो में एकदम डेंजरस लग रहा है। तो हमें अब जैसे हम सारे PNGs को लगा चुके हैं, अब हमें को देना है थोड़ा साइन इफेक्ट। उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे, एडजस्ट पे जाएंगे, ब्राइटनेस को ज़्यादा करेंगे, फिर इरेजर टूल पे जाएंगे, ऐसे करेंगे और जहाँ जहाँ हमें साइन इफेक्ट दे रहा है वहाँ हाँ हम इसे देंगे। ब्रश का साइज ब्रश करना छोटा करेंगे, क्वालिटी हाई करेंगे, तो करेंगे पहले हमें देना है यहाँ इसे भी देना, ज़्यादा रब नहीं करने, एक ही बार या दो बार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लाइट रूम में भी काम करेंगे। ऐसे करना है, आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा 15 पर रखता हूँ। देख सकते हो हमारा फोटो पूरा रेडी है। तो अब जाएंगे हम सिंपल जाएंगे ड्रॉ टूल पे, इस फोटो को कर देंगे हम ड्रॉ टूल पे जाएंगे और इसे सेव कर देंगे। जब देख सकते हो तो फोटो है जो मेरा लाइट गैलरी में सेव हो गया। अब हम सिंपली हमारा लाइट रूम खोलेंगे। ये है मेरा लाइट रूम। लाइट रूम में हम इसे इफेक्ट देंगे, कलरिंग इफेक्ट देंगे। जैसे अब ये लाइट रूम ओपन होगा, ये अबव फोटोशॉप लाइट रूम है, इसका PA वर्जन निकला। अगर आपको भी PA वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जैसे आप देख सकते हो मेरी जो फोटो है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो हमें सिंपल जाना है इस पे, हाईलाइट को करना है कुछ 22 पे, फिर शेडो को करना है कम, शेडो को करना है 13 पे, वाइट्स को कम करना है 15, ब्लैक को करेंगे हम 26। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे, अभी मिक्स कलर है, यहाँ पे करके देखेंगे हमें जो इफेक्ट अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर हम जाएंगे इस पे क्लियरिटी को थोड़ा करेंगे, क्लियरिटी रखेंगे हम 20, मैं तो 30 रखता हूँ हमेशा। आपको अगर कम रखना तो आप कम रख सकते हो, मैं 30 के हिसाब से विग्निटी को भी एकदम मैनेज करता हूँ, इसलिए यहाँ पे जाएंगे। ये जो शार्पनेस है, शार्पनेस को बढ़ाएंगे, शार्पनेस को करेंगे हम 100 पे, इनके रेडियस को रखेंगे हम 1.110 पे, फिर नॉइस डिटेक्शन को कम करेंगे, इससे जो भी हमारा नॉइज होगा वो एकदम हट जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा फोटो रियलिस्टिक लुक दे रहा है, एकदम रियलिस्टिक लुक दे रहा है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। फिर इसे हम कर देंगे सेव पे जाना और एक्सपोर्ट पे जाना और इसे कर देना फोटो एक्सपोर्ट कर देना।
अब देख सकते हो मेरी फोटो एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो आप भी मेरे जैसा फोटो ट्राई करो अपने घर पे, बहुत मजा आएगा करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जिससे और मेरे नए वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।